हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर से मुझे सीखने को मिला है, ये धरती मेरे लिए एहसान मंद हूँ। लोढ़ा कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं अभिनेता शैलेश लोढ़ा धार नगर बाड़मेर जिला मुख्यालय शहर के आदर्श स्टेडियम में विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सोमवार रात कवियों ने रसीले बाणों से लोगों को हंसा हंसा कर उत्साहित कर दिया। सम्मेलन में शामिल हुए लोग इस कदर डूबे कि हर रचना व कविता के बाद उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों की हौसला अफजाई की। थार महोत्सव के तहत सोमवार शाम को आदर्श स्टेडियम में कवि सम्मेलन हुआ। शाम को शुरू हुआ कवि सम्मेलन रात 2 बजे तक चला। कवि सम्मेलन में शैलेश लोढ़ा, सत्यनारायण सत्तन, शबीना अदीब, जॉनी बैरागी, दिनेश सिंधर, संजय झाला, अशोक चारण व विवेक चारण ने कविताएं सुनाई। शाम को शुरू कवि सम्मेलन में शैलेश लोढ़ा को सुनने के लिए हजारों श्रोता देर रात तक जमे रहे। कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने कविता व व्यंग प्रस्तुत किए। लोढ़ा ने कहा कि थार की धरती को प्रणाम करता हूँ, दो मायनों में बाड़मेर का एहसान मान हूँ, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा हूँ। बाड़मेर से मुझे सीखने को मिला है, ये धरती मेरे लिए एहसान मंद हूँ। मेरी पत्नी स्वाति लोढ़ा यहाँ पढ़ी है, मारवाड़ की धरती पर पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदी कवि सम्मेलनों से जो कुछ बना हूँ और आज यहाँ खड़ा हूँ। टेलीविजन आज है, कल नहीं होगा। लोढ़ा ने कहा कि मेरा बाड़मेर से पुराना लगाव है, कक्षा 3 तक की पढ़ाई बालोतरा में हुई। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं मारवाड़ी हूँ। ओजस्वी कवि विवेक पारेख ने देश में युद्ध गाथाओं का उल्लेख करते हुए दुश्मनों पर जमकर प्रहार किया, साथ ही लोंगेवाला युद्ध पर कविता प्रस्तुत की। कवियत्री शबीना अदीब ने देशभक्ति की मधुर पंक्तियों के साथ ही गजल व गीत से सबको प्रेम रस में डुबा दिया। कवि दिनेश सिंधर ने फटी जेब से गिर गया दिल, ऐसी आपाधापी में दिन बीतेंगे कितने दिन, गीत प्रस्तुत किया। कवि अशोक चारण ने देश त्रासी में उत्सव की ओर है, इस पर 4 पंक्तियां सुनाकर श्रोताओं का मन मोह कर दिया। विवेकानंद की जीवनी पर पंक्तियां प्रस्तुत की। उन्होंने पुलवामा में हुए हमले पर कविता प्रस्तुत कर स्टेडियम को भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। राजस्थान की वीरांगनाओं को याद करता हूँ क्योंकि वो कहती है, मेरा पति मेरा नहीं है, देश के लिए शहीद हुआ। भारत के प्रति नफरत फैलाने वालों पर कविता के जरिए पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। भारत माता के वीरों ने मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, हम भारत माता के वीर हैं, उधारी रखते नहीं हैं। कवि संजय झाला ने हास्य व्यंग रचनाएं सुनाकर सभी को उत्साहित किया। कवि सत्यनारायण सत्तन राजस्थान की संस्कृति पर चंद प्रस्तुत किया, साथ ही नेताओं व पुलिस पर हास्य व्यंग के जरिए प्रहार किया। क्या सोचते हैं इसका उदाहरण? तो देखिए, सबसे पहले तो जो जो पूरी धरती है पश्चिम बाड़मेर जैसलमेर, ये तो कला से संपूर्ण है। जो हमारे जितने लोक गायक हैं, जो लंगा हैं, बांगड़ियाँ हैं, तो अद्भुत हैं वो, तो पूरी दुनिया में उनकी प्रतिभा है। और यहाँ की जो संस्कृति है, और यहाँ इतना कला के प्रति प्यार, अभी आप रात के 2:30 बज रहे हैं और 20-25 हज़ार आदमियों से एक आदमी उठने को तैयार नहीं है। हिंदी कविता के प्रति ऐसा अनुराग, ये अपने आप में उदाहरण है कि कितना कला प्रेमी क्षेत्र है ये। अच्छा, बाड़मेर में जब 10 साल बाद ये थार महोत्सव हुआ है, तो कितना जरूरी है इस प्रकार के आयोजन जो है वो यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ावा दे। वो भीड़ देख के बता रहे हैं, देखिए जरूरी तो मालूम पड़ता है ना, इतनी जो पब्लिक जिस संख्या में आई है उससे लगता है ना कि वो कितना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कला का संरक्षण भी होता है, कला का विकास भी होता है, और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, और क्षेत्र में आपका पर्यटन भी इससे बहुत बढ़ेगा मुझे लगता है। फिल्म जगत से जुड़े हुए और माया नगरी में रहते हैं, बाड़मेर वासियों के लिए, थार वासियों के लिए क्या संदेश है? मैं देखिए, संदेश तो मेरा हमेशा यही रहता है सबके लिए कि खूब खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।